नमस्कार दोस्तों, किसान लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। तो भाई आज की जो वीडियो है उन किसानों के लिए है जो किसानी के साथ साथ जो ट्रैक्टर चलाते हैं या अपना काम करते हैं, खेती करते हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत जो है पार्ट टाइम बिजनेस भी करना चाहते हैं कि उस ट्रैक्टर का अपना फ्री रहता है, या जो अपना एक प्रॉपर अलग व्यवसाय भी करना चाहते हैं एक ट्रैक्टर के साथ, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो आज की हम लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो क्या कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए वीडियो है, बहुत ज़्यादा आपको इससे जो फ़ायदा होने वाला है। तो एक अच्छा व्यवसाय, एक अच्छा रोज का रोजगार जिसमें आपका रोज का आप उसमें कमा सकते हैं, तो आपके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा भाइयों। तो भाइयों, जो किसान हमारे भाई हैं सभी जानते हैं सभी के पास ट्रैक्टर होता है, और ऐसा नहीं कि पूरा साल ट्रैक्टर काम करता रहता है, कुछ समय ऐसा होता है, कुछ महीने कुछ दिन जो होते हैं जो ट्रैक्टर जो वो फ्री रहता है, काफ़ी टाइम जो ट्रैक्टर फ्री रहता है, जैसे बरसात हुई या कहीं जब बिजाई होने के बाद जो काम होने के जुताई होने के बाद ट्रैक्टर फ्री रहता है, तो उस दौरान जो ट्रैक्टर से कमाई कर सकता है किसान अपनी किसानी के साथ साथ रोज की कमाई है। तो आप हमारे सामने देख ही पा रहे हैं ट्रैक्टर तीन तरीके की जो है चक्की यहाँ पर खड़ी हुई है, आटा चक्की है भाई, ये इसमें तीन प्रकार के तीन मॉडल हैं। तो किस कंपनी की आटा चक्की हैं, कहाँ से आप मंगवा सकते हैं, इसमें कैसे ये वर्क करती हैं, क्या क्या इनके अंदर खासियत हैं इनके अंदर, और किस तरीके की इनकी बिल्ड क्वालिटी, आपको पूरी वीडियो के अंदर दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले जिस जो कि है बनाई है न्यू किसान एग्रो वर्कशॉप। तो भैया न्यू किसान एग्रो वर्क्स कालावाली मंडी सिरसा हरियाणा के अंदर ये वर्कशॉप है। तो भाइयों इस आटा चक्की की क्या खासियत है, आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं, आपको मैं सब बताएंगे। तो भाइयों ये जो मॉडल है ये जो है लिंको से जुड़ने वाला मॉडल है, आप देख सकते हैं इसमें आप यहाँ से आप इन लिंको से जोड़ सकते हैं, और वो अपना ये इसका कपलिंग हो गया जिससे कि हम P2 पावर से इसको चला सकते हैं, और यहाँ पर ये इसका गेयर बॉक्स हो गया, और ये तीन बेल्टों के साथ जुड़ी हुई है, और ये अपनी चक्की हो गई, ऊपर से जो है गेहूँ गिरेगा और इसमें जो है आटा पिसेगा। तो भाइयों इसके अंदर हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल की गई है, आपको दिखा दूँ पहले गेयर बक्सा बहुत ही हैवी ड्यूटी गेयर बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर, ये ओमकार धुरी का गेयर बक्सा लगा हुआ है, ओमकार धुरी जो एक गेयर बक्सा का जो बनाते हैं कंपनी, बहुत ही इसका नाम है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है गेयर बक्सा लगाती हैं, तीन बेल्ट से ये चल रहा है, पुली भी काफ़ी हैवी ड्यूटी है। तो इसमें जो हब तीन हब हो गई, तो तीनों हब जो अच्छे लोहे के अंदर बनी हुई हैं और CNC कटिंग से बनी हुई हैं, और दो जगह डबल बैरिंग लगे हुए हैं नीचे और ऊपर, और ये अपना यहाँ से जो आटा निकल के आता है। तो ये भाई एडजस्टिंग है इसकी, आप देख सकते हैं जो थोड़ा बहुत भी चक्की के बारे में जानते होंगे उन्हें पता है कि जब हमें इसको ये हब ने फ्री कर दिया, अब जो है इनके जो दोनों पत्थर हैं जो एक दूसरे काफ़ी दूर हो चुके हैं, और यहाँ से जो है हमने अब चलानी है इसमें जब गेहूँ चलना है, तो ये देखिए ये इंगेज हो गया, और ये जो एडजस्टिंग है इससे हम घुमा के कम ज़्यादा जो है बारीक आटा जितना बारीक करना है उसको जो टाइट कर देंगे, और अगर थोड़ा मोटा रखना है तो उसको नीला कर देंगे, जिस तरीके का भी आपको आटा करना है यहाँ से कर सकते हैं। और जब आपका दाना बीच में ख़त्म हो गया और आपने इसको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है या इसे लेके जाना फ्री करना है, यहाँ से फ्री हो गया, अब जो है बिल्कुल चक्की फ्री हो गई, और यहाँ पे जो है इसमें गेहूँ गिरते हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी से बना हुआ है इसका ये जिसे आप टापा भी बोल देते हैं, और ये देखिए ये यहाँ से ऐसे आप कहीं भी खोल सकते हैं गेहूँ, ये थोड़ा जाम इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पत्ती अपनी जगह पे जहाँ आप जितना चाहे वहाँ रोक सकते हैं, तो अपना ये बंद हो गया। जो गोड कंपनी के इसमें जो है पत्थर लगे हैं जिसे हम पार्ट बोल देते हैं, गोड कंपनी के ये पार्ट बने हैं, काफ़ी नामी ये भी कंपनी है, अच्छी कंपनी का बनाए गए हैं। ये साइड पे जो है सेफ्टी प्लेट लगाई गई है, और 10 mm की इसमें नीचे प्लेट बेस प्लेट लगाई गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, और इसमें जो है जो गियर बक्से के चक्कर हैं आप जिस टाइप का ट्रैक्टर उस हिसाब से इसमें एडजस्टिंग होती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, हर एक ट्रैक्टर का ज़्यादातर अब तो सबके सेम ही है, एक आधे ट्रैक्टर हैं जिसमें चार चक्करों का लगाता है, तो अपने जिस हिसाब से आपका ट्रैक्टर उस हिसाब से आपके इसमें एडजस्टिंग हो जाएगी। तो अब आते हैं भाई हम इस वाले मॉडल पर, तो इस वाले मॉडल में क्या है, ये तो हो गया लिंकों पर चलने वाला, ठीक है लिंक पर उठा के आप कहीं भी ले सकते हैं, ये हो गया टायरों वाला जो अपना जिस ये हुक वाला हो गया जो हिच में डलता है ट्रैक्टर के में, आप देख सकते हैं, और ये भी P2 पावर से अब चलता है, इसकी जो आटा चक्की है ये भी बहुत बढ़िया मजबूत वही है, इसमें सारा सिस्टम ये उसी का वही सिस्टम है, इसका जो गियर बक्सा है ये भी धुरी का ओमकार का ही है, तीन बेल्टों के साथ है, वही सेम CNC कटिंग के साथ इसकी हब और अपना सारे
बैरिंग हाउसिंग है सब बने हुए हैं, और वही डबल डबल जो है दो दो ऊपर नीचे दोनों तरफ डबल बैरिंग है। और इसमें क्या खासियत है देखो, इसमें मैं आपको दिखा दूँ, इसमें बलैरो वाले टायरों के साथ हैं, वही बलैरो वाला हिस्सा है और बलैरो वाले ही इसमें टायर हैं, बलैरो वाले इसके अंदर जो है इसके व्हील हैं। तो इसमें जो है इनका बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, कूदते नहीं है ज़्यादा, ये टायर लचक लेते हैं, सस्पेंशन की तरह काम करते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्क करते हैं टायर, ये बहुत ही बिल्कुल बैलेंस नहीं खराब होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से चौड़ाई वगैरह बिल्कुल सही सफिशेंट करी हुई है। इसके पीछे जो एक प्रसाद में साथ क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, जो अपना जो कोई भी अनाज है गेहूं मक्का जिस तरीके से भी आप जो भी आपका है, आपको अलग से रास करने की जरूरत नहीं है, उनको छांटने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सब कुछ है, यहाँ पर आप अपना अनाज गेरिए, यहाँ से ये सामने झरना लगा हुआ है, इसमें जो मोटा दाना मोटी जो इसमें कूड़ा कवाड़ा का वो यहीं से अलग निकल जाएगा। आप साइड पर आप देख सकते हैं परे निकलने की जगह बनी हुई है, और जो रेता है वो छन के यहाँ से निकल जाएगा, रेता भी अलग हो जाएगा, और जो रहेगा इसमें थोड़ा बहुत फूस कवाड़ा छोटे जो कोई कवाड़ा रह गया वो यहाँ पंखा लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये पंखा लगा हुआ है पीछे की तरफ, यहाँ से सारा जो है वो उधर से नीचे गिरता रहेगा और यहाँ से जो है सारा वो कूड़ा कवाड़ा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर जो है आप कनस्तर या थैला रख के जो भी आपको चाहें आप यहाँ से निकाल कर वहाँ गिर देंगे, यहाँ से आपको साफ बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन गेहूँ निकलेगा। जैसे एक चीज़ में और अच्छी दी गई है आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ नीचे कोई चीज़ रखी हुआ भर गया आप उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं तो इतने में दाना नीचे ना खींचे, तो आप इसको जो है ये खोल सकते हैं और ये बंद कर सकते हैं, ये जो दाना रोक देगा ताकि जो है आपको नीचे दाना खींचे ना। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है ये, यहाँ पर इसकी टूल बॉक्स हो गया, आप टूल बॉक्स सकते हैं, एक छोटा टूल बॉक्स ये रहा है, तो ये टूल बॉक्स हो गया, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपकी बनी हुई है, और गियर बक्सा वगैरह बेल्ट बहुत अच्छे, हर चीज़ जो है इसके अंदर बैरिंग बहुत अच्छे इस्तेमाल की गई हैं, पुलियाँ बहुत अच्छी इस्तेमाल की गई हैं, वो इसका लीवर हो गया वहाँ से, तो यहाँ से जब लीवर आप लगाओगे तो इसका पिछला सिस्टम शुरू हो जाएगा, जिससे कि झरना अगर आप डालोगे अगर आपको जरूरत नहीं आप यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये अपना वर्क नहीं करेगा, अपना आगे काम करता रहेगा। तो पट्टे की गारंटी नहीं है, पट्टा जो होता है वो कंपनी की तरफ से आता है, उसकी कोई गारंटी नहीं आती क्योंकि ये इनका अपना खुद नहीं बना सकते, और लेकिन और जो मैंने भाई से बात करी उसमें उन्होंने बताया कि जो अपना गेयर बॉक्स है उसकी 1.5 साल की गारंटी है, तो और जो आपको किसी भी प्रकार की आपको मशीन के बारे में और आपको लेने आपको इंडिया में किसी भी आप जगह में हो किसी भी कोने में आप हों आपको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जाएगी, आप भाई से बात कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे चल रहा है पे आप बात कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी आपको, और आप कहीं भी इसको मंगा सकते हैं। एक ये मॉडल है, इसमें क्या फ़र्क है ये भी हम आपको बताएंगे। तो भाइयों आप किसी भी प्रकार का आप जो जैसा आपको कलर चाहिए वैसा आपको कलर करके देंगे, और आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी ट्रैक्टर हो आपके ट्रैक्टरों के चक्कर आपको मिला के दिए जाएंगे ताकि ट्रैक्टर कम से कम तेल लेकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, और एक चक्की की जो एक औसतन जो आटा पीसने की जो क्षमता है वो लेकर 2.5 से 3 क्विंटल प्रति घंटे की है, और जो जैसे दाना हम जानवरों के लिए थोड़ा मोटा पीसते हैं जैसे रदावा जिसे बोल देते हैं उसको लेके 5 क्विंटल से प्लस ही आपकी क्षमता है कि 1 घंटे में ये पीसती है, तो घंटे की औसत अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जो पिसाई का समय है काफ़ी अच्छा है। और इसमें आप चीज़ दिखा दूँ, ये प्लेट जो साइड पर लगी हुई है ये सेफ्टी प्लेट लगी हुई है, तो बहुत अच्छी हैवी ड्यूटी लगी हुई है ताकि जो हमारे पत्थर हैं उन पर कोई चीज़ ना लगे, या अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर चलते हुए और ये इसमें कोई नुकसान होता है तो पास में खड़े आदमी किसी को ये चोट ना मारे या कोई ऐसा कोई घटना ना हो, इस वजह से ये एक्स्ट्रा सेफ्टी दी गई है। तो काफ़ी हैवी ड्यूटी के अंदर ये मशीन बनी हुई है आप देख सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, बेल्टें भी बहुत अच्छी हैं, बैरिंग जो है बैरिंग भाई बता रहे हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के बैरिंग लगाए हैं, बैरिंग के साथ साथ बैरिंगों के ऊपर जो है आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ कि सील भी लगी हुई है ताकि उसमें कोई मिट्टी पानी या धूल ना जाए, बैरिंगों के साथ साथ उसमें सील का भी प्रयोग किया गया है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है बैरिंग बहुत अच्छी है, CNC कटिंग के साथ सारा काम हुआ है मशीन के अंदर, कलर क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। तो भाइयों आपको सारी इसके लिए आपको जानकारी दे दी गई, आप इसमें आप खेती के साथ साथ भी अपना एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, मतलब व्यवसाय भी कर सकते हैं, या एक अपना प्रॉपर पूरा व्यवसाय भी इसे आप चला सकते हैं, कि अगर आपके पास ट्रैक्टर है आप ट्रैक्टर के साथ साथ कुछ और काम नहीं कर रहे हैं तो आप इसे चक्की चला कर उसे अपना एक जरिया कमाई का जरिया बना सकते हैं, रोज़ के कमाई का जरिया है, और
आप इसको इंडिया में कहीं भी मंगवा सकते हैं। आपको कोई मंगवाने के लिए आपको नीचे नंबर दिया गया है जो रन हो रहा है, नीचे नंबर, तो आप उसे देख सकते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई के साथ। तो आपको फिर बता दो, न्यू किसान एग्रो वर्क्स कालावाड़ा वाड़ी मंडी सिरसा हरियाणा के अंदर ये जो वर्कशॉप है यहाँ पर ये बनती हैं। और इंडिया में सबसे पहले अगर आटा चक्की ट्रैक्टर वाली अगर बनी थी तो कालावाड़ी मंडी में ही बनी थी। तो काफ़ी यहाँ से हर प्रकार की आपको चक्की मिल जाएगी किस तरीके से। और भाइयों अगर आपको आगे जो है चक्की के साथ साथ क्या कर रहे हैं, भाई ने जो तेल जो सरसों का तेल निकालने की जो मशीन होती है वो भी इसमें फिट कर दी गई है मशीनों में, तो वो अभी वर्किंग में है, टेस्टिंग हो गई है, चल भी रही है वो, तो अभी फिलहाल अभी आज तक आनी थी, वो आगे आने वाली उस वीडियो में आपको वो भी दिखा देंगे। तो उसमें क्या होगा, एक तरफ आप चक्की चलेगी, आप चक्की भी चला सकते हैं, और एक तरफ जो है सरसों निकालने वाली मशीन भी आप उसके अंदर चला सकते हैं, उसमें वो भी फिट कर दी गई है, कॉम्पैक्ट साइज बहुत अच्छा है, हमने देखा है, पड़ा हुआ है, तो वो भी एक फिट हो जाएगी इसके अंदर, तो वो उसकी वीडियो भी आपके लिए हम जल्दी लेके आएंगे। तो भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और आगे भी आपको इस तरीके से बहुत अच्छी वीडियो आती रहेंगी। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिसका आप नंबर आप नीचे देख पा रहे हैं। तो बहुत ही धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।